नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले में आने वाले खैरलांजी क्षेत्र की, जहां लॉकडाउन में परियोजना के अंतर्गत किसी भी केंद्र में नहीं वितरित किया गया रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार। पूर्व जनपद अध्यक्ष राकेश बनर्टे की कलेक्टर को शिकायत पर जबलपुर से पहुँचा जांच दल। 3 से 6 वर्ष के बच्चों, छात्री व गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया गया गर्म बना हुआ पोषण आहार। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों एवं छात्री महिलाओं को दिया जाना था 1200 ग्राम पोषण आहार, किंतु मिला 600 ग्राम। खैरलांजी परियोजना कार्यालय महिला व बाल विकास विभाग में किस तरह से परियोजना अधिकारी प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं, इसकी बानगी तब देखी गई जब इसकी शिकायत कलेक्टर को होने के बाद जांच दल ने खैरलांजी पहुंचकर वास्तविकता की जानकारी प्राप्त की। जांच दल के अधिकारियों ने जब हितग्राहियों से चर्चा की तो वास्तविकता के धरातल पर उनकी यह शिकायत सत्य पाई गई। सभी हितग्राहियों ने अपने बयान में बताया कि उन्हें लॉकडाउन में किसी तरह का पक्का हुआ रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार सांझा चूल्हा अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञात हो कि इस मामले की शिकायत पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष राकेश बनोटे द्वारा जिला कलेक्टर दीपक आर्य को 7 मई 2020 को की गई थी, जिसके बाद 9 मई को संभागीय संयुक्त संचालक महिला बाल विकास विभाग जबलपुर से श्री कंदवाल व जिला परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग बालाघाट शिकायतकर्ता और हितग्राहियों के बयान दर्ज करवाने पहुँचे थे, जिन्होंने खैरलांजी और सावरी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हितग्राहियों से ग्राम पंचायत भवन में पहुँचकर बयान दर्ज करवाए। इस दौरान शिकायतकर्ता राकेश बनोटे भी उपस्थित रहे। कोरोना COVID-19 के संक्रमण से नौनिहाल बच्चों को बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करवाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसकी लॉकडाउन का पालन भी करवाया जा सके और सभी लोग विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही रखा जा सके। साथ ही 4 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में यह सख्त निर्देश भी थे कि लॉकडाउन में किसी भी तरह से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों, छात्री किशोरियाँ और गर्भवती महिलाओं को पूर्व से मिल रहे पूरक पोषण आहार में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो और यह व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित होती रहे, जिसके परिपालन में यह भी आदेश थे कि इस दौरान सभी हितग्राहियों को पका हुआ दलिया सत्तू रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार घर पहुंचाकर वितरित किया जाए, मगर इस आदेश का खैरलांजी के अंतर्गत किसी भी सेक्टर में पालन नहीं किया गया, जो इस विभाग और इसके अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही को उजागर करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिले के मुखिया कलेक्टर इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कठोर कार्रवाई करते हैं। सर, ये जो शिकायत जानकारी में आई है इसके बारे में बताएं सर आप विस्तार से। मेरे संज्ञान में आया था कि खैरलांजी जनपद के तहत जो है यहाँ पर लॉकडाउन के चलते में पका हुआ भोजन नहीं बांट सकते थे, इसलिए शासन ने जो इसकी एक योजना बनाई थी कि रेडी टू ईट के तहत सत्तू बांटा जाए। तो यहाँ पर जब मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ लॉकडाउन के तहत कोई सत्तू नहीं बांटा गया, कहीं कहीं पर इन्होंने गेहूं बांट दिया गया है, कहीं पर आटा बांट दिया गया है, वो भी बहुत कम मात्रा में, और इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितना बांटना है। तो इसी के तहत मेरे द्वारा जो है ये हमारे जिला कलेक्टर एवं अपना जॉइंट कमिश्नर को शिकायत की गई थी कि यहाँ पर कृपया आके यहाँ पे जांच की जाए और जो हितग्राहियों को जो है न्याय दिलाया जाए। अभी ये सर जो जांच चल रही है किसके द्वारा की जा रही है? ये जॉइंट कमिश्नर महिला बाल विकास विभाग जबलपुर के द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है। कहाँ कहाँ की शिकायत है सर? अभी तो मैंने ओवरऑल 3-4 पंचायतों की शिकायत किए थे जो मेरे संज्ञान में आई थी,
अब वो वहाँ यहाँ के बाद में सावरी भी जाएंगे और आगे का वो बताएंगे कि आगे कौन सी पंचायतों में जाएंगे करके। जैसे ये जो सत्तू देना था वो कितनी मात्रा में देना था महिलाओं को बालिकाओं को? उनको 1200 ग्राम सत्तू देना था बच्चों को, तो वहाँ पर उन्होंने एक ये कि किसी को 200 ग्राम, किसी को 300 ग्राम, किसी को दिए भी नहीं है उन्होंने। इस तरह से यहाँ मजाक टाइप का हमारे खैलांजी क्षेत्र में किया जा रहा है। पूरी परियोजना के अंतर्गत हुआ है कि अपने कुछ पंचायतों में ही हुआ है? नहीं, पूरे जनपद क्षेत्र में 62 पंचायत मेरे खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत है, तो वो पूरी लगभग पूरी पंचायतों में। इसके बारे में कभी अपने परियोजना अधिकारी से बात करें? जी मैंने इस संबंध में मैंने परियोजना अधिकारी खैलांजी से बात किया, एक बार बात किया, पूछताछ की, जानकारी ली, और लेकिन जब मैंने दोबारा फ़ोन लगाने की वो कोशिश की उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया उसके बाद से। क्यों आए हो आप यहाँ? जी हमारे बच्चे एक 3 साल का है और 1.5 साल का है, उनको अभी जितना भी आहार आया वो कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक दूध पाउडर लेकर के घर में आई थी मैं, बस वही मिला। कब से नहीं मिल रहा है? जी ये लॉकडाउन चालू हुआ जब से नहीं मिल रहा है। नहीं अभी बीच में और आंगनबाड़ी केंद्र बंद भी थी। हाँ जी, तो उस दौरान तो नहीं मिला, लेकिन उसके पहले कब से नहीं मिल रहा? पहले तो मिलता था, लेकिन अभी जो लॉकडाउन जब से बंद हुआ है, आंगनवाड़ी जब से बंद हुई है, तब से मिला नहीं है। ये जो सत्तू मिलने का था आपको, सत्तू के बारे में नॉलेज में होगा आपके, सत्तू मिलने का था तो सत्तू दिया गया है या गेहूं आटा दिया गया है आपको? जी गेहूं आटा भी नहीं दिया गया और सत्तू भी नहीं दिया गया। कब से नहीं मिला है? ये तो मिला ही नहीं, अभी इस अप्रैल माह में भी नहीं मिला। मार्च में मिला था? जी नहीं। मार्च में भी नहीं मिला? जी नहीं। तो सुरवंता बनोटी। ये आप कौन से आंगनवाड़ी के अंतर्गत आते हो? स्कूल के पीछे, तहसील कार्यालय के पीछे। अच्छा, आपको सत्तू मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपके बच्चों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? लॉकडाउन चालू है जब से। इसके लिए आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बोले क्या? क्या एक बार आई थी तो 2 पैकेट पहुँचाए थे वो चावल वाला, फिर उसके बाद नहीं आया। ये बोले अभी मैंने बोली थी कि बोले अभी बोले लॉकडाउन चालू है तो बंद है बोले आंगनबाड़ी बंद। ये जो रेडी टू सत्तू मिलना था, यानी पका हुआ जो सामग्री के द्वारा जो सत्तू मिलना था, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं। वो अभी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला। अप्रैल माह का सत्तू मिला है? नहीं मिला। जो बालाघाट से टीम आई हुई है अभी और जबलपुर द्वारा, तो क्या मामला है ये आंगनबाड़ी का? क्या है ये सत्तू, मतलब जो आपको समूह के द्वारा जो दिया जा रहा था, तो ये सत्तू दिया जा रहा है कि आटा दिया जा रहा है वहाँ से? हम लोग को सामने उनके सत्तू बताए। नहीं, उसकी गुणवत्ता से आपको क्या लग रहा है कि वो सत्तू है या आटा है? हितग्राही बोल रहा है कि भाई उसमें सत्तू लगा के दिए थे उन्हें कच्चा, नहीं तो आपने उसको टेस्ट करके देखा होगा ना गुणवत्ता क्या कह रही है? देखे सर, हमें तो सत्तू जैसे लगा। क्या मिला हुआ है आपके आपके जो आप जो बोल रहे हैं? शक्कर भी मिला, शक्कर मिला हुआ है उसमें, आटा को उन लोग ने भुने हैं, शक्कर मिला है हम लोग ने। यहां कौन सा समूह सत्तू बांट रहा है? हरसा स्वसहायता समूह। यही लोकल का है? हां यही का। उसका कौन है संचालक, कौन है समूह का? की हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान पोषण हार में सत्तू और ये दिया जाना चाहिए था, वो प्रॉपर दिया नहीं गया है, तो उसी की जांच के लिए हमें आए हैं। इसके इस संबंध में हमको निर्देश मिले थे हमारे डिवीजनल कमिश्नर ने कि इस बारे में अवगत कराया था कि यहाँ की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, और भी इसके अलावा जो शिकायत होगी यहाँ की तो हम उस पर पूरी जाँच करेंगे और संबंधित जो भी होगा उस पर बता देंगे। इसमें एक मामला और आया था खैलांजी परियोजना के अंतर्गत, जो शायद लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो तदर्थ समिति के साथ कुछ पैसा आता है, कुछ फंड आता है आपका, अच्छा, उसका फंड का भी दुरुपयोग किया गया, मतलब शायद वहाँ काम न होते हुए उसको अनावश्यक काम में लाया गया, ऐसा भी कुछ आपको संज्ञान में है क्या? मामले संज्ञान में ये नहीं है मेरे को, तो चूँकि अभी ये उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष जी हमारे वहाँ आए हुए थे बालाघाट में, और इस संबंध में उन्होंने मेरे से शिकायत की थी, तो उसी संबंध में भी आया हूँ। अगर आपके नॉलेज में है तो अगर हम चाहेंगे कि अभी आए हुए तो देखना चाहेंगे कि कहां पर इस तरह की अनियमितता हुई है, तो हम इसको भी संज्ञान में ले रहे हैं। सर आप जांच में आए हो और यहां आंगनवाड़ी बंद है,
देखिए बंद तो नहीं है, हमारे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बंद तो रखी है। अगर शासन के निर्देश है कि आंगनवाड़ी केंद्र को भी नहीं खोलना है, जब तक कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के दौरान हम आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन नहीं करें, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता फील्ड में, चाहे वो सर्वे का काम हो, चाहे बाहर से प्रवासी जो हमारे मजदूर गए थे वापस आए हैं, उनके क्वारंटाइन के संबंध में हो, वो सभी लोग काम कर रहे हैं, फ्री नहीं कोई भी। तो मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी सभी बहनें अच्छे से काम कर रही हैं और इसकी प्रशंसा ना केवल जिला लेवल पर, अन्य जगह पर भी इसकी प्रशंसा की जाए।